हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर हिंदी टीचर। बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक रचना प्रसून से पाठ 13 वाक्यांशों के लिए एक शब्द का अध्ययन करेंगे। बच्चों, कुछ बातों को हम कई शब्दों में ना कहकर एक शब्द में कह देते हैं। उन्हें अनेक शब्दों अथवा वाक्यांशों के लिए एक शब्द कहते हैं। आइए अब नीचे दिए गए चित्रों को देखकर बॉक्स में से सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करते हैं। हमारा पहला वाक्य है, रोगियों का इलाज करने वाला डॉक्टर होता है। रोगियों का इलाज करने वाला क्या कहलाता है? डॉक्टर। खेती करने वाला किसान होता है। खेती करने वाले को हम क्या कहते हैं? किसान। गाना गाने वाली गायिका होती है। गाना गाने वाली को हम क्या कहते हैं? गायिका। जहाँ पढ़ने जाते हैं वह विद्यालय होता है। जहाँ हम पढ़ने जाते हैं वह जगह क्या कहलाती है? विद्यालय। पढ़ाने वाला शिक्षक होता है। जो हमें पढ़ाते हैं वह क्या कहलाते हैं? शिक्षक कहलाते हैं। अब नीचे कुछ वाक्यांश तथा उनके लिए प्रयुक्त होने वाले एक शब्द दिए गए हैं। इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। जो प्रतिदिन होता है वह क्या कहलाता है? दैनिक। जो सप्ताह में एक बार होता है वह साप्ताहिक कहलाता है। जो महीने में एक बार होता है उसे हम मासिक कहते हैं। जो वर्ष में एक बार होता है वह वार्षिक कहलाता है। जो लकड़ी का काम करता हो उसे हम बढ़ई कहते हैं। जो लोहे का काम करता हो लोहार कहलाता है। जो मूर्ति बनाता हो वह मूर्तिकार कहलाता है। जो सेना में कार्य करता हो वह सैनिक कहलाता है। जो शिक्षा देता हो वह शिक्षक कहलाता है। विद्या प्राप्त करने वाला विद्यार्थी कहलाता है। बच्चों, आपके मिड टर्म के सिलेबस में 1 से लेके 10 तक ही आपको वाक्यांश कॉपी पर लिख के याद करने हैं। धन्यवाद।